चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का अर्थ। सिंपली स्पीकिंग, इंश्योरेंस इज द मीन्स बाय विच रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पार्टी कॉल्ड द इंश्योरर ऑन द पेमेंट ऑफ अ चार्ज नोन एज प्रीमियम। बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसको प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष, बीमाकार या बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। द पार्टी हुज रिस्क इज शिफ्टेड टू द इंश्योरर इज नोन एज द इंश्योर्ड। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। Obviously, insurer is generally an organization, insurance company, which is willing to share the loss or damage and it is also qualified to do so. बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। Insurance is a contract between the insurer and insured, whereby the insurer undertakes to pay the insured a fixed amount in exchange for a fixed sum known as premium on the happening of a certain event, like at the certain age or on death, or compensate the actual loss when it takes place due to the causes mentioned in the contract. बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने, जैसे कि एक निश्चित आयु की समाप्ति या मृत्यु की स्थिति में, पर एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत को जोखिम से होने वाली वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है। इफ यू थिंक अबाउट द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस, यू विल रियलाइज दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन थ्रू विच ऑल द इंश्योर्ड हु आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क पे प्रीमियम एंड ओनली वन और फ्यू अमंग देम हु एक्चुअली सफर द लॉस और डैमेज इज और आर कॉम्पेंसेटेड। अगर आप बीमा के आधार के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक तरह का सहयोग है जिसमें बीमाकृत लोग जो जोखिम का शिकार हो सकते हैं प्रीमियम अदा करते हैं, जबकि उनमें से एक या सिर्फ कुछ ही को जो वास्तविक में नुकसान उठाते हैं मुआवजा दिया जाता है, जिनका नुकसान नहीं होता है उनको मुआवजा नहीं मिलता है। Actually, the number of parties exposed to a risk is very large and only a few of them might actually suffer loss during a certain period. The insurer company acts as an agency to spread the actual loss suffered by a few insured parties among a large number of parties. वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन किसी निश्चित अवधि में उनमें से सिर्फ कुछ को ही नुकसान होता है। बीमाकर्ता कंपनी बीमाकृत पक्षों के नुकसान को शेष बीमाकृत पक्षों में बांटने का काम करती है। आगे पढ़ते हैं। द टर्म इंश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन नोन एज इंश्योर्ड एंड द अदर इंश्योरर, वेयर बाय इंश्योरर इन एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अग्रीज टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड against risk of loss or damage caused by happening of certain events. The document containing the contract is known as insurance policy. The person whose risk is insured is called insured or assured, and the person or the company which insures is known as insurer or assurer. The consideration in return for which the insurer agrees to compensate the insured is known as premium. बीमा में अभिप्राय दो पक्षों के बीच अनुबंध से है, जिनमें से एक को बीमित और दूसरे को बीमाकार कहते हैं। इस अनुबंध के अनुसार बीमाकार एक निश्चित धनराशि के बदले बीमित को किसी घटना के घटित होने से होने वाली हानि अथवा क्षति की पूर्ति का समझौता करता है। अनुबंध के इस प्रलेख
को बीमा पॉलिसी कहते हैं। जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे बीमित और कंपनी जो बीमा करती है उसे बीमाकार कहते हैं। क्षतिपूर्ति की वह राशि जिसके बदले में बीमाकार हानि की दशा में बीमित को भुगतान करना स्वीकार करता है प्रीमियम कहलाता है। आप मान लीजिए कि आपका कोई व्यवसाय है, आप उसका इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहते हैं, तो आप हो जाएंगे इंश्योर्ड और जो कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देगा वो होगा इंश्योरर। आप जो इंश्योरेंस कराएंगे वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होगा, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा जिसको प्रीमियम कहते हैं। आपको इंश्योर्ड और अश्योर्ड भी कहा जाएगा और जो इंश्योरेंस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर या अश्योरर भी कहा जाएगा। दस इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे द इंश्योर्ड अ फिक्स्ड अमाउंट इन एक्सचेंज फॉर अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी प्रीमियम ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट लाइक अटेनिंग अ सर्टेन एज और ऑन डेथ और पे द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस व्हेन इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिस्क इंश्योर्ड। अतः बीमा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, यह बीमाकार एवं बीमित के बीच अनुबंध है जिसके अनुसार बीमाकार निश्चित राशि प्रीमियम के बदले बीमित को एक निश्चित घटना, एक निश्चित आयु प्राप्त करने अथवा मृत्यु के घटित होने पर एक निश्चित राशि देने का वचन देता है, अथवा जिस जोखिम का बीमा किया जाता है उसके कारण हानि होने पर वास्तविक हानि की पूर्ति का वचन देता है। आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा के रखे हो अगर वही घटना होती है तो ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और आपको इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करना होगा और इंश्योरेंस कंपनी पहले जांच पड़ताल करेगी फिर आपको पैसा देगी। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का महत्व। पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जोखिम से सुरक्षा। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। द प्रोटेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोविजन टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। जोखिम से सुरक्षा, बीमा व्यवसाय को विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा बीमित को हानि की पूर्ति के लिए प्रावधान के रूप में होती है। दूसरा, पूलिंग ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस हेल्प्स इन शेयरिंग ऑफ रिस्क। इन प्रैक्टिस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सीक इंश्योरेंस बाय पेइंग द प्रीमियम व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस फंड। दिस फंड इज यूज्ड फॉर कॉम्पेंसेटिंग अ फ्यू अमंग देम हु मे सफर अ लॉस। Thus in effect the losses is spread over a large number of people. मान लीजिए 100 लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो पूरे 100 का तो नुकसान होगा नहीं, उसमें से मान लीजिए 10 का नुकसान होता है तो जितना आपको प्रीमियम का पैसा मिलता है वो सारा पैसा मिलके इनका नुकसान का भरपाई हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी इसी तरह से पैसा भी कमाते हैं। साथ ही साथ जो प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी में आता है वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाते हैं जिससे वो आपका इंश्योरेंस क्लेम का पैसा देते हैं। जोखिम का अनेक लोगों में विभाजन, बीमा जोखिम को आपस में बांटने में सहायता प्रदान करता है। व्यवहार में बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम देकर बीमा करवाते हैं, इससे बीमा कोष तैयार हो जाता है। इस कोष का प्रयोग उन लोगों की क्षति पूर्ति के लिए किया जाता है जिनको वास्तव में यह हानि होती है। इस प्रकार से हानि को बड़ी संख्या में लोगों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन सिक्योरिंग लोन्स, ऋण लेने में सहायक। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली इंसिस्ट ऑन द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टीज बिफोर लोन्स कैन बी सैंक्शनड ऑन देयर सिक्योरिटी। सो इंश्योरेंस मेक्स इट कन्वीनियंट टू सिक्योर लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऋण लेने में सहायक, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः ऋण देने से पहले उन वस्तुओं एवं संपत्तियों का बीमा कराने पर जोर देते हैं जिनकी जमानत पर वह ऋण दे रहे हैं। इस प्रकार से बीमा वित्तीय संस्थानों में ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने को सुगम बनाता है। कहने का मतलब आप जो इंश्योरेंस कराए हैं उससे आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइबिलिटीज अंडर वेरियस लेबर लॉज,
Insurance gives protection to the businessman in the event of compensation payable to employees for accidents leading to fatal injury, partial injury, disablement, as well as sickness and maternity. विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत देनदारी से सुरक्षा। बीमा व्यवसायी को कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने पर जिसके कारण गंभीर चोट, विकलांगता अथवा बीमारी हो जाने पर तथा प्रसूति आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान के समय सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा के रखे हैं, तो अगर उनका एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए उनको थोड़ा चोट लगे या बहुत ज़्यादा, या वो पूरे दिव्यांग हो जाए, तो भी बीमा कंपनी वो पैसा दे के उनको हेल्प करता है। तो कंपनी को इससे बहुत आराम मिलता है और उसको पैसा नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में योगदान। Funds with the insurance companies are invested in various types of securities and projects which contribute to economic development of the country. बीमा कंपनियों के पास जमा धन को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों एवं परियोजनाओं में निवेश किया जाता है जो देश की आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अगला, generation of employment, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। Insurance companies provide employment to a large number of people on regular basis. A number of people earn their livelihood working as insurance agents. बीमा कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नियमित रोजगार देती हैं। कई लोग बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं। Social security, सामाजिक सुरक्षा। Life insurance provides security against risk of old age and premature death of people. जीवन बीमा बुढ़ापे एवं समय से पूर्व मृत्यु के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। Besides, social security is provided to workers through the Employees State Insurance Scheme, whereby accidental risks are covered. इसको ESI भी कहते हैं। जीवन बीमा बुढ़ापे एवं समय से पूर्व मृत्यु के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से, जिसमें दुर्घटना बीमा भी सम्मिलित है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।